ये देखो फाइनली फाइनली अब जो है पे जाके ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कोई रिएक्शन देता है कि नहीं। यहाँ पे रोलेक्स आराम से ग्रिप भी लगा रहे हैं, देखो कैसे कट्स विजिबल हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पियर पेन ब्लॉग। देखो पीछे रोलेक्स ग्रिप लगा रहे हैं सुबह सुबह ही। वाह क्या सीन है। आज हमारे यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ी सी बारिश हुई थी सुबह सुबह और अभी एकदम ठंडा मौसम है, तो सोचा रोलेक्स को अच्छे से एक्सरसाइज करवाता हूँ। समझ रहे हो आप, आज जल्दी थकेगा भी नहीं और इसको गर्मी भी नहीं होगी, तो देखते हैं कितनी देर तक ग्रिप लगाता है। जॉय को मैंने अभी अनलिस्ट किया था, वो बाहर गया फ्रेश होने के लिए, अभी कुछ देर में आ जाएगा लौट के। और ये रोलेक्स कल भी ग्रिप नहीं लगा था क्योंकि कल मैं घर पे नहीं था, तो कल तो ब्लॉग आ भी नहीं पाया था, तो आज देखता हूँ कितनी देर तक ग्रिप लगाता है। रहा नहीं जाता क्योंकि एक दिन से ग्रिप नहीं लगा है बिल्कुल भी और बहुत ज़्यादा करंट में था, तो सोचा कि आज इसका करंट सुबह सुबह निकालते हैं, उसके बाद इसको एक अच्छी सी डाइट देखेंगे। आज सलून भी चलेंगे, दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो छोटा कराना है आज और बाल भी थोड़ा छोटा कराएंगे। ये देखो पिलर पे टेक देगा कैसे ग्रिप लगा रहा है एकदम। ओह माय गॉड, ये कपड़ा ही सही है, कपड़ा जब से लगाया मैंने आराम से चल रहा है, एक हफ्ते तो हो ही गए होंगे, क्योंकि कोई और चीज लगाओ तो एक दिन में उसको तोड़ दे देता। इसकी ग्रिप भी दिन पर दिन थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है, जितना बड़ा हो रहा है उतना ज्यादा स्ट्रांग इसका ग्रिप हो रहा है। बात तो सही है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक स्प्रिंग ला दूँ, एक लोहे का स्प्रिंग आता है उसके ग्रिप के लिए, और वो जल्दी टूटेगा भी नहीं, सालों साल चलेगा, तो वही लाऊंगा जल्दी ही। ये लो फिर से बारिश शुरू हो गई, दिख भी रहा होगा आप लोग को, हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और रोलेक्स अभी अपने ग्रिप में ही लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से अपनी चेयर हटा के इधर चलता हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे, तो मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब है और तबीयत और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पे रोलेक्स आराम से ग्रिप भी लगा रहा है, देखो कैसे कट्स विजिबल हो रहे हैं, दिख रहा होगा एकदम तगड़े तगड़े दिख रहे हैं कट्स इसके। और जो अभी बाहर गया, अभी तक तो आया नहीं, बारिश शुरू होती है तो जल्दी से आ जाता है वो, क्योंकि उसको बारिश से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। जॉय को नहलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भी पानी डालो उस पर बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। रोलेक्स को तो एक दो बार नहलाया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नहाने से, ये आराम से नहा लेता है। अच्छा देखो कैसे झटके लगा रहे हैं, गुड बॉय रोलेक्स। ये देखो कैसे कपड़े कर फाड़ रहा है, ऐसे पकड़ के चर 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 कर रहा है। देखो देखो फटने ही वाला है थोड़ी देर में, देखो कितनी स्पीड से फिर से पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, जंप कर रहा है और फिर पकड़ रहा है खुद। बॉय, और कपड़े को हल्के हल्के टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर दिया, देखो एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ पे फाड़ के फेंका हुआ है, एक टुकड़ा और फाड़ने वाला है थोड़ी देर में। फाइनली जॉय भी आ गया है बाहर से फ्रेश होके और घूम के, और देखो पेड़ के पीछे उसकी पूंछ दिख रही है, ये वहाँ पे खड़ा है गेट के सामने, और इसकी अभी ग्रिप चल ही रही है, आधे घंटे हो ही गए हैं, ये तो ग्रिप ऊपर चली गई है, इतना तेज खींचा है रबड़ की वजह से। समझ रहे हो, देखो ग्रिप कोई देख रहा है, जल्दी से ग्रिप उतारता हूँ नहीं तो ये जॉय पे जाके अटैक मार देगा। अच्छा इसके साथ यही प्रॉब्लम है, फिर से लग गया ग्रिप में। थोड़ी देर में आज हम रिएक्शन लेने वाले हैं दोनों डॉग्स का, एक मास्क लगा के भूत वाला, देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, रोलेक्स का और जॉय का। तो फाइनली रोलेक्स के ग्रिप हटा देता हूँ, आधे घंटे लगा लिया इसने, ये तो छोड़ दूं तो दिन भर लगाएगा, लेकिन अब इसको खाना उन्हें दे देते हैं। तो रोलेक्स का तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उस पे मास्क पे, देखते हैं कुछ कर रहा है कि नहीं। रोलेक्स सुटे, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है मास्क पे, ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है। अब जॉय पे जाके ट्राई करते हैं, वो देखते हैं कोई रिएक्शन देता है कि नहीं। ये भी तो शांति है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है इसका भी, बिल्कुल नॉर्मल है। फाइनली जॉय भी कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन ये हल्का एग्रेशन कर रहा है उस पर, क्योंकि अभी यहाँ बैठा था, अभी जस्ट वहाँ पे गया है, और वो भी थोड़ा सा डर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए अभी शांत है। फाइनली रोलेक्स हल्का सा एग्रेशन दिखा रहा है इस पर,
ये देखो ये देखो देखो ये देखो कैसे कर रहा है, ये देखो रिएक्शन देखो, ये देखो फाइनली फाइनली एग्रेशन कर रहा है रोलेक्स थोड़ा सा। वाह क्या सीन है। तो फाइनली रिएक्शन लेने के बाद और रोलेक्स को एक्सरसाइज कराने के बाद खाना दे दिया मैंने, जो अपना खाना पीछे खा रहा है, और रोलेक्स ने अपना खाना ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया है। अब मैं चलता हूँ सलून गाइस, थोड़ा सा दाढ़ी वोड़ी छोटा करा के आते हैं, फिर शाम को अगर मौसम अच्छा रहा तो लेके चलेंगे डॉग्स को बाहर घुमाने के लिए। देखो अभी भी बारिश हो रही है, इधर देखो पूरा भीग रहा धीरे धीरे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली रात हो गई है गाइस, और हमारे यहाँ मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया है कि पूछो मत। इधर देखो पूरा बारिश यहाँ तक भीग गया है, समझ रहे हो। और रोलेक्स के लिए चौकी लगानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही है बाहर, कि इतनी तेज हवा आ रही है ठंडी ठंडी कि रोलेक्स बीमार भी हो सकता है। बात तो सही है, तो उसके लिए मुझे ये चौकी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और जॉय को भी सेट से लेके आता हूँ, देखो उसकी आँख वहाँ पे चमक रही है, उसको भी रूम में शिफ्ट करता हूँ, नहीं तो उसको भी ठंडी लग सकती है। पहले रोलेक्स को खाना दे देता हूँ, देखो कितना एक्साइटेड है, आज बहुत देर तक ग्रिप भी लगाया था, बहुत एक्सरसाइज भी किया था और प्रैंक भी किए थे आज हम लोगों ने इस पे। तो इसको पहले खाना देता हूँ, नहीं तो ये एग्रेशन करने लगेगा जॉय पे। उसके बाद देखो ये पानी भर गया है, बारिश का पानी है, यहाँ से बाहर से इधर से आके पूरे इसमें भरा हुआ है। तो इस साइड से इधर से चौकी लगा दूंगा तो इधर हवा पास नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली रोलेक्स का खाना रेडी है, थोड़ी मल्टी विटामिन और हल्के एक एक डाल दिया मैंने, क्योंकि गर्मी अब आ गई है तो एक ही एक दे रहा हूँ। अब इस चौकी को शिफ्ट करता हूँ वहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे मैंने चौकी लगा दी है, अब सही है। इधर थोड़ा सा भीग गया तो मैं थोड़ा सा पराली ला कर और डाल देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे इसको थोड़ी सी ठंडी लग जाएगी। अब जॉय की बारी है, जॉय को रूम में शिफ्ट करता हूँ, देखो कैसे अंगड़ाई तोड़ रहा है। ओह माय गॉड, इसको भी ठंडी लग रही होगी। फाइनली जॉय भी आ गया है रूम में, यहीं पे इसको खाना दे दिया हूँ मैं, और यहाँ पे बिल्कुल गर्मी है, थोड़ी भी ठंडी नहीं लग रही है। इधर से खिड़की से हल्के हल्के हवा भी आती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली डॉग्स को खाना वाना खा दे दिया है गाइस, और वो भी आराम कर रहे होंगे खाना खा के। अभी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं भी आ गया हूँ घर, और घर आके ब्लैंकेट में ही आज पढ़ाई करनी पड़ रही है, क्योंकि बाहर चेयर पे बहुत ठंडी लग रही है। तो अभी दो चार घंटे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी टाइम 8:30 हो रहा है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा खाना वाना खाऊँगा, उसके बाद पढ़ाई करेंगे दो चार घंटे, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, शुभ रात्रि।